नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोसिक टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, नोसिक टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और नोसिक टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि नोसिक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में नोसिक टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। नोसिक टैबलेट का उपयोग प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा नोसिक टैबलेट में विटामिन B6 भी मौजूद होता है। विटामिन B6 को पाइरिडोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B6 प्रेग्नेंट महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव भी करता है। नोसिक टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। नोसिक टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन डॉक्सिलामाइन 10 mg और पाइरिडोक्सिन 10 mg होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोसिक टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। नोसिक टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर नोसिक टैबलेट को शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। उल्टी आने या जी मिचलाने की समस्या ज्यादा होने पर डॉक्टर नोसिक टैबलेट को दिन में 2 बार भी लेने की सलाह दे सकता है। अगर आपके डॉक्टर ने नोसिक टैबलेट को सुबह भी लेने की सलाह दी है तो नोसिक टैबलेट को सुबह खाली पेट लेना ज्यादा अच्छा होता है। नोसिक टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको नोसिक टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना नोसिक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोसिक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में नोसिक टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए नोसिक टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नोसिक टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं को नोसिक टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आंखों में ग्लूकोमा होने पर, पेट की आंतों में रुकावट होने पर और पेट में अल्सर होने पर नोसिक टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना नोसिक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को नोसिक टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे डॉक्सिलामाइन या पाइरिडोक्सिन आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को नोसिक टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका नोसिक टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।